मान लीजिए आपको जॉब से निकाल दिया जाए और पैसे भी नहीं मिले, तो आप क्या करोगे सोचिए। हेलो वेलकम एवरीडे, आई एम गौरव एंड यूर वॉचिंग बीएफ ब्रिलियंट। आज मैं आपको बताऊंगा लेबर और एम्प्लॉय की राइट के बारे में कि वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, अगर उनके राइट का वॉयलेशन करती है कंपनी तो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। वो कंप्लेन कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं, और देखते हैं अगर क्या क्या ग्राउंड्स हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर वो कंप्लेन कर सकते हैं वॉयलेशन होने पर। पहला पॉइंट है हमारा प्राइवेट कंपनीज लाइक आईटी कंपनीज एटसेट्रा, मोर वर्क फोर्स रेजिग्नेशन और सडन टर्मिनेशन एटसेट्रा। प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं हमारी, आईटी कंपनीज, बीपीओ जो होते हैं, प्राइवेट होते हैं, अगर ये कंपनी हमसे ज़्यादा काम करवाती है, हार्ड वर्क करवाती है और मोर वर्क लेती है और हमें फोर्स करती है रिजाइन करने के लिए, जॉब से जॉब को छोड़ने के लिए हमें फोर्स करा जाता है और टर्मिनेट करते हैं, जॉब से निकाल दिया जाता है, तो लेबर और जो एम्प्लॉयज होते हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी की। सेकेंड पॉइंट हमारा, सेकेंड पॉइंट है सैलरी नॉट रिसीव। अगर आप काम कर रहे हैं और आपको सैलरी नहीं दी जा रही है तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर उस कंपनी की शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता हमारा, द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हैव बीन वॉयलेटेड। मीन्स जो आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हो और जब प्राइवेट कंपनी में काम करते हो तो आपसे एक एग्रीमेंट साइन करवा जाता है कि आप 5 ईयर के लिए हो, 4 ईयर के लिए अपॉइंट हुए हो। अगर उसका वॉयलेशन कंपनी खुद करती है, सपोज आप 5 साल के लिए अपॉइंट हुए हो, एग्रीमेंट में आपका 5 साल है टाइम पीरियड जॉब का, आप उसमें से आपको 3 साल या 2 साल, 1 साल जो भी है उससे पहले अगर कंपनी आपको निकाल देती है, उस एग्रीमेंट का खुद वॉयलेशन करती है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर उस कंपनी की कंप्लेन कर सकते हैं। लास्ट नेक्स्ट पॉइंट आता है एक्सप्लोइटेशन और नो मनी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर और कंपनी। एक्सप्लोइटेशन, एक्सप्लोइटेशन हो रहा है आपका और मनी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर और नो मनी पेड बाय कॉन्ट्रैक्टर, आपका शोषण हो रहा है और आपको पैसे मिल नहीं रहे हैं, पैसे दे नहीं रहा आपको जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो रोके रखा है आपकी सैलरी दो दो 3 4 5 महीने रोक के रखा है सैलरी, या कंपनी होता है कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी, वो आपको सैलरी रोक के रखी हुई है और आपका शोषण कर रही है, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं कोई भी मजदूर या कोई भी वर्कर। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, लेस वेज प्रोवाइडेड और वॉयलेशन ऑफ मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। आपकी ये कंपनी जो है या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपको इतनी कम सैलरी दे रहा है जिससे आपके बेसिक नीड्स, जो जरूरत की जो नीड्स होती हैं वो पूरी नहीं हो रही है, और जो उसका वॉयलेशन कर रहा है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट जो है हमारा, ये मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इसमें क्या होता है, इस एक्ट में, इस एक्ट के हिसाब से जो सैलरी है वो फिक्स कर रखी है लेबर्स की, वर्कर्स की फिक्स कर रखी है कि उनकी बेसिक जो नीड्स होते हैं वो उसमें फुलफिल हो जाए, इतनी सैलरी तो फिक्स कर रखी है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ने। अगर वो नहीं दी जाए, ये मिनिमम वेजेस एक्ट का वॉयलेशन हो या आपको सैलरी ना दी जाए, तो आप क्या कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर उस कंपनी की कंप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ लेबर। सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ लेबर मीन्स सेफ्टी जो होती है, सुरक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, अगर इसका ध्यान ना रखा जाए किसी कंपनी में, आपको ऐसा काम दिया जाए, आपको वहाँ सेफ्टी इक्विपमेंट्स ना मिले, ना हेलमेट, ना ग्लव्स, ना शूज, ना मास्क वगैरह, कोई प्रोटेक्शन ना दी जाए, ना कोई सेफ्टी इक्विपमेंट्स दी जाए, और जिससे आपकी हेल्थ पे खतरा होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कंपनी ना सुने, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी की। नेक्स्ट, सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर लाइक इंश्योरेंस एटसेट्रा। सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर, अगर लेबर को सोशल सिक्योरिटी ना मिले, जैसे इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, अगर वो ना दिया जाए कंपनी की तरफ से, तो वो जो लेबर है, वर्कर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकता है उस कंपनी की। नेक्स्ट आता है हमारा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जिसे EPFO, क्लेम्स रिजेक्टेड, UAN, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रॉब्लम्स एंड अदर EPFO से रिलेटेड इश्यूज। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है EPFO, जिसको हम शॉर्ट में PFPF कहते रहते हैं, अगर उससे उसका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, उसका क्लेम नहीं मिलता है आपको, या UAN जो होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, उसकी प्रॉब्लम्स हो कुछ, और EPFO की और कोई भी परेशानी हो, अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप इसमें मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी की। नेक्स्ट, EPF अमाउंट इज बींग डिडक्टेड एवरी मंथ बट नॉट बींग अपडेटेड इन पासबुक। EPF अमाउंट जो होता है वो आपकी सैलरी से हर महीने तो कट रहे हैं, पैसे आपकी सैलरी से हर महीने डिडक्ट हो रहे हैं, बट आपकी जो पासबुक जो होती है उसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है, ई पासबुक जो होती है उसमें कोई अपडेट नहीं हो रहा है, और आपके हर महीने पैसे तो कट रहे हैं, सैलरी कट रही है, तो
तो इन केस इस केस में क्या करेंगे, जो लेबर जो और जो वर्कर होते हैं वो जाके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की सहायता ले सकते हैं, उसमें जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी को। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयज स्टेट कॉरपोरेशन इश्यूज, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC या इश्यूज भी बोलते हैं हमको, अगर इससे कोई रिलेटेड प्रॉब्लम होती है एम्प्लॉयज की तो वो जाकर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी की। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रेच्युटी रिलेटेड इश्यूज, ग्रेच्युटी का मतलब होता है सपोज आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आपको काम करते हुए वहाँ 5 साल हो जाती है, 5 साल का टाइम पीरियड हो जाता है आपको काम करते हुए, तो कंपनी जो होती है वो ग्रेच्युटी रिलीफ देती है आपको, अगर वो ना दे तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकते हैं उस कंपनी की, बस टाइम पीरियड जो है 5 ईयर है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट आता है हमारा करप्ट ऑफिसर्स, करप्ट आप समझते हो करप्शन, करप्ट जो होते हैं जो रिश्वतखोरी जो लोग होते हैं ऑफिसर जो होते हैं उसकी कंप्लेन भी आप कर सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर, बट कंप्लेन करने से पहले आपके पास जो प्रूफ हो मैंडेटरी है, प्रूफ जो होता है मैंडेटरी है, आपके पास सबूत होना चाहिए कि वो ऑफिसर जो है वो करप्ट है, वरना अगर आपके पास सबूत नहीं होंगे तो आप अपना भी टाइम खराब करोगे और मिनिस्ट्री का भी टाइम खराब करोगे, इसलिए सबूत होना कंपलसरी है मैंडेटरी है। ये मैंने 12 पॉइंट्स लिख दिए हैं, आप देख लीजिए एक बार, 12 पॉइंट्स हैं जो लेबर और जो वर्कर होते हैं एम्प्लॉयज जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं इनका, और अगर किसी का भी इनमें से वॉयलेशन होता है, इनमें से किसी भी पॉइंट का वॉयलेशन होता है और भी पॉइंट्स हैं इनमें से अगर किसी का वॉयलेशन होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में जाकर कंप्लेन कर सकता है उस कंपनी की, इस कॉन्ट्रैक्टर की, अगर सपोज वो कंपनी प्राइवेट ना होकर गवर्नमेंट हो, स्टेट की हो और या सेंट्रल की हो, या फिर कोई प्रोजेक्ट है स्टेट प्रोजेक्ट मारो या सेंट्रल मारो हो, तो आप क्या करेंगे, आप स्टेट का प्रोजेक्ट है तो आप स्टेट में कंप्लेन करेंगे, अगर वो देखते हैं कि सेंट्रल का प्रोजेक्ट है तो आप सेंट्रल में जाकर कंप्लेन करेंगे उस वर्क की जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपको वॉयलेशन हो रहा है उस चीज़ की। अभी मैंने लिख दिया 12 पॉइंट, इससे भी अलावा और पॉइंट्स हैं जो जिसके वॉयलेशन होने पर आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की सहायता ले सकते हैं और कंप्लेन कर सकते हैं। अब आती है इनके हेडक्वार्टर की बात, इसका हेडक्वार्टर जो है वो रफ़ी मार्ग में, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली रफ़ी मार्ग में इसके हेडक्वार्टर है, और इसके जो मिनिस्टर्स हैं वो न्यूली अपॉइंट हुए हैं 31 मई 2019 को, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री संतोष कुमार गंगवार जो हमारे करंट मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बट आपको कंप्लेन करने से पहले आपको अपने यूनियन के पास जाना होगा या फिर अपनी कंपनी को, मैनेजर को या कंपनी को आपको रिटर्न में लेटर लिखना होगा या ईमेल करना होगा, आप उसके बाद आप DM के पास जा सकते हो, अगर यहाँ पे सुनवाई ना हो तो आप मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में जाकर उसकी कंप्लेन कर सकते हो। पहले आप सॉल्व कोशिश कीजिए कि आप इंटरनली सॉल्व करो उसको, फिर जाके मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट की सहायता लीजिए। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।